अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मिथिलांचल के लोहना रोड मुक्तापुर रेल खंड को रेलवे के निर्माण विभाग ने 87 किलोमीटर लंबी रेल लाइन योजना की आरईटी सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। योजना पर होने वाले व्यय का प्राकलन भी अभियंताओं ने बना लिया है। नई रेल लाइन मिथिलांचल के अति पिछड़े इलाके से गुजरेगी। इस योजना के बनाने से दरभंगा मधुबनी के अलावा समस्तीपुर जिले के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे। विगत वर्ष रेलवे के अभियंत्रण ने 2 सर्वे का काम पूरा किया था। सर्वे में 87 किलोमीटर लंबी रेल खंड में 11 रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें खतवार, कुर्सों, पाली, अलीनगर रोड, खरारी, सहसराम, बहेड़ी, त्रिमानी रोड, बिरौल आदि शामिल हैं। इस रेल खंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कई गाँव है। यह मिथिलांचल का सबसे पिछड़ा भूभाग है। वर्षों तक यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। इन इलाकों के लोगों को यातायात का कोई समुचित साधन नहीं है। ऐसे में चिंता बनी मालवीय जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं देश की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय रेल अब विश्व की नंबर एक बनने जा रही है और विश्व स्तर की रेल सुविधाएं अब भारत में मिलने लगी है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, वहीं एक और रेल में लूटपाट की घटनाएं बहुत बड़ी हैं और न केवल बाहरी क्षेत्र में बल्कि राजधानी के आसपास भी रेलों पर पत्थर फेंकने और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। और महत्वपूर्ण ट्रेन जैसे हम सफर एक्सप्रेस, फिरोजपुर शताब्दी, रांची राजधानी आदि एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी लूटपाट और घटनाएं की हुई है। सबसे आधुनिक ट्रेन जो ट्रेन 18 है उस पर भी पत्थरबाजी हुई, कांच तोड़ दिए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदया कि जो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी अपना काम करे और रेल के आसपास जो अवैध बस्तियां हैं उनको हटाने का काम करे। बहुत धन्यवाद।